प्रधानमंत्री कल इंडिया आइडियाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अमेरिका भारत व्यापार परिषद की 45वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है ये आयोजन। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल के विभिन्न निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज रात से लगाया जाएगा लॉकडाउन। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज हुआ निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया आइडियाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन अमेरिका भारत व्यापार परिषद कर रहा है। इस वर्ष परिषद की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है बेहतर भविष्य का निर्माण। इस वर्चुअल सम्मेलन में भारत और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता, राज्य स्तरीय अधिकारी और समाज तथा व्यापार जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में विश्व महामारी के बाद भारत अमेरिका सहयोग और भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर के जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में 5 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इससे महारानी अस्पताल में अब मरीजों को मातृ शिशु पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक और डायलिसिस के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलने लगेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, इससे अब वहाँ चिकित्सकों की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में लघु वनोपजों के वैल्यू एडिशन का अच्छा कार्य किया जा रहा है। बकावंड स्थित काजू प्रसंस्करण केंद्र में फिर से कामकाज शुरू होने से महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र के सड़क, पुलपुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद की अधोसंरचना विकसित करने के लिए करीब 244 करोड़ रुपए के 61 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर कॉफी, बस्तर काजू और बस्तर हल्दी के उत्पादों की लॉन्चिंग भी की। इस अवसर पर बस्तर क्षेत्र के ग्रामीणों ने पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से चर्चा की। लोक महापर्व हरेली के अवसर पर राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। वे बैलगाड़ी में सवार होकर गौठान पहुंचे और नागर की पूजा की। इस दौरान उन्होंने किसानों से गोबर खरीदकर उन्हें भुगतान के लिए कार्ड सौंपा। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी से किसानों की न सिर्फ आय बढ़ेगी बल्कि इससे जैविक खेती का रास्ता भी खुलेगा। साल के पहला त्योहार और ये तीसरा सावन सोमवारी और उस दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत। इस योजना के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा और इसे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसे 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्राम सिकोला में मातृ छाया पथ योजना के तहत किए जा रहे वृक्षारोपण का लोकार्पण भी किया। इस योजना के तहत दुर्ग जिले की सड़कों को ग्रीन जोन में बदलने के लिए करीब 17 प्रजातियों के फलदार, छायादार और औषधि गुण वाले 44,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिले में 102 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। रूप से हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसका लाभ जहाँ किसानों को मिलेगा
वहीं हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और लोगों को आम जो उपभोक्ता है उसे शुद्ध अनाज फल और सब्जियां मिलेगी। उधर राजनांदगांव जिले में गोधन न्याय योजना की शुरुआत वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ग्राम सलोनी में की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में आज रात से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रायपुर नगर निगम और नगर पालिका परिषद क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक नागरिक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। 22 जुलाई सुबह से लेके यानी जो 21 रात को 12 बजे से लेके 28 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक ये प्रभावशील रहेगा और इससे पहले भी जो इस तरह की जो प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला जा चुका है। वहीं राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में राज्य सरकार ने 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, पेट्रोल, दूध और सब्जी दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शहर में बेवजह घूमने और मास्क नहीं लगाने वाले नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल है, सब्जी है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये बहुत सारे चीजों में छूट रहेगी। राजनांदगांव के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि जिले में 450 से अधिक मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेक्टरों को जरूरत के अनुसार लॉकडाउन लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। देश में अब तक 7,24,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों की दर 62.72% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की दर कम होकर 2.43% हो गई है। देश में इस समय कोरोना संक्रमण के 4,02,529 सक्रिय मामले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के कुल 2,50,016 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें अब तक 5,598 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग 4,000 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय प्रदेश में 1,626 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरी होने पर घर से बाहर निकलने वाले नागरिकों को अपने साथ परिचय पत्र रखना जरूरी होगा, साथ ही मास्क की भी अनिवार्यता की गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन का निधन हो गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने अपने एक महान नेता को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालजी टंडन समाज सेवा के अपने अथक प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लालजी टंडन का लंबा सार्वजनिक जीवन लोगों की सेवा में बीता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालजी टंडन भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए और उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने शोक संदेश में कहा कि लालजी टंडन आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उन्हें अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्यपाल लालजी टंडन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। लालजी टंडन जी का विराट व्यक्तित्व हम सब लोगों के सामने है।
जनसंघ के स्थापना के समय से लेकर के आज के राजनीति में उनकी जो सक्रियता और महत्वपूर्ण भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से उन्होंने अटल जी के साथ में पूरा अपना जीवन दे करके इस पार्टी को संभालने में उन्होंने अपना समय दिया, इसी प्रकार से एक सच्चे समाज सेवक के रूप में, कुशल राजनीतिक के रूप में और साथ ही साथ में पक्ष और विपक्ष में जो महत्वपूर्ण भूमिका में निभाने वाले लालजी टंडन जी रहे हैं। गौरतलब है कि लालजी टंडन लंबे समय से बीमार थे, उनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल का कार्य देख रही हैं। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत पाट यात्रा पूजा के साथ ही शुरू हो गई है। श्रावण माह की अमावस्या को दंतेश्वरी मंदिर में ये पूजा कराई गई। इस विधान के साथ ही बस्तर दशहरा के दौरान चलने वाले विशालकाय 2 मंजिला रथ का निर्माण किया जाता है। इस रथ को बनाने के लिए जगदलपुर के बिलोरी गाँव से लकड़ी लाई जाती है। लकड़ी की सिंह ड्योढ़ी को दंतेश्वरी मंदिर के पास पूजा अर्चना कर स्थापित किया जाता है। बस्तर दशहरा के बारे में स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पाट यात्रा विधान के साथ ही सभी रस्मों की शुरुआत हो जाती है। इस साल भी मांझी, चालकी, मुखिया तथा राज परिवार के साथ मिलकर बस्तर दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। यात्रा जो है हमारे बस्तर में जो आदिकाल से चलते आ रही है विश्व प्रसिद्ध दशहरा, ये उसी से संबंधित है क्योंकि ये पाट यात्रा जो है दशहरा का प्रारंभ है। आज के दिन से ही दशहरा के जितने भी रस्म होते हैं वो प्रारंभ हो जाती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दशहरा पर्व को मनाने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस संबंध में सांसद दीपक बैज ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ये पर्व मनाया जाएगा। इस परिस्थिति में बस्तर दशहरा को कैसा सफल रूप से संचालन करना है, सभी लोगों के साथ एक अभिमत के साथ चर्चा करने के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार एक अधिमास पड़ने के कारण बस्तर दशहरा का कार्यक्रम 104 दिनों तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल इंडिया आइडियाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अमेरिका भारत व्यापार परिषद की 45वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है ये आयोजन। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल के विभिन्न निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज रात से लगाया जाएगा लॉकडाउन। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज हुआ निधन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।